नमस्कार साथियों, आज हम यूएस से रिलेटेड बात करेंगे। भाई दुबई से रिलेटेड दो टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो सोशल मीडिया से रिलेटेड बात करेंगे, अगर आप किसी का खुलासा कर देते हो तो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ, दूसरा हम बात करेंगे किसी को भी अगर आप धमकी दे देते हैं, वो धमकी आप व्हाट्सअप से सोशल मीडिया के द्वारा देते हैं, एक वीडियो पहले भी मैंने बनाया है, उसके आधार पे एक आदमी को बता दूं निर्वासित कर दिया गया, यानी दुबई से कोर्ट ने आउट ही कर दिया कि भाई आप अपने देश जाओ, वहीं पे ठीक रहोगे। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो से आपको कुछ कानूनी हेल्प भी मिलेगी ताकि आप अपनी जगह सही रहें, सतर्क रहें। साथ वाला भी प्रॉब्लम करता है तो आप उससे बचें, कहने का मतलब ये है। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। देखिए भाई, वी में एक कानून बना था 2006 में, जी हाँ, एक्ट 51 के अनुच्छेद 6 में एक कानून बनाया गया है, पहले का ही बना हुआ है कि अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे पीड़ित लोग होते हैं जिनके साथ में कोई धोखा हुआ, कोई चीटिंग हुई, या उनके साथ कोई हादसा हो गया, या उनको तस्करी हो गई, यानी वो पीड़ित हैं, जैसे किसी के साथ रेप हो गया, हत्या, मर्डर, एक्स वाई जेड कोई भी रीज़न हो सकता है, उन केस में गवाही बनते हैं, पुलिस के पक्ष में बयान देते हैं, या उस मैटर केस में वो इन्वॉल्व होते हैं। समझ गए बात को कि भाई ठीक है, मैं गवाही दूंगा आपके खिलाफ में या आपके पक्ष में, जो भी है सही बातों का। उन गवाहों के, उन पीड़ितों के अगर आप नाम सोशल मीडिया पे जाहिर कर देते हो, समझ रहे हो बात को, उनके नामों का खुलासा करते हो या फिर उनका वीडियो बना के शेयर कर देते हो। आपने देखा होगा यार, कई बार एक वीडियो कल ही मैंने बनाया था कि एक दूसरे के खिलाफ में वीडियो बना के डालना, जो पीड़ित होते हैं, जो गवाहों के, वो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। इसकी अथॉरिटी दुबई सरकार ने नहीं दी है, वीएस सरकार ने बाकायदा इसमें कानून बना हुआ है। बता दूँ, अगर आप गलत काम करते हो इसके रिलेटेड, आप अपने मोबाइल से, व्हाट्सअप से, फेसबुक के माध्यम से आप उनका नाम किसी के साथ शेयर करते हैं, या अपने सोशल मीडिया से अकाउंट से वीडियो बना के शेयर करते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो भाई उनका नाम, फोटो वगैरह नहीं डाल सकते। अगर डाले हुए आपको आपके खिलाफ में कार्रवाई हो सकती है, जेल प्लस आपको 10,000 दुबई जुर्माना लग सकता है, दुबई दराम जुर्माना आपके ऊपर लग सकता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई आप किसी के टांग न अड़ाएं। सीधी सी बात, ये टांग अड़ाओगे तो आपकी टांग को दिक्कत हो सकती है, समझ गए बात को। तो इन चीज़ों से बचना की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, क्योंकि ये सोशल मीडिया ना बड़ा खतरनाक है भाई, ये हर किसी को मरवा देता है, क्योंकि हम ध्यान रखते नहीं हैं, फिर पछताने से दिक्कत होती है। सेकंड बात, हम बात करेंगे कि भाई महिला से रिलेटेड, जी हाँ भाई, एक गार्ड को उस देश से, यूएस से निर्वासित कर दिया। इसका रीज़न क्या था मैं बता दूँ, क्या हुआ था कि एक महिला थी जो अलबरसा, आपको पता है अलबरसा दुबई में एक जगह है, वहाँ पे वो एक लड़की, 23 साल की लड़की, तैराकी प्रशिक्षण केंद्र नहीं होते वहाँ पे, जिनको तैरना सिखाते हैं बच्चों को, कोई भी सीख सकता है पैसा देके, समझ रहे हो, वहाँ पे वो लड़की जॉब कर रही थी, वहाँ ही पे बाहर की साइड में आपको पता है सिक्योरिटी गार्ड बैठे होते हैं, वो मनी मैन, वो है ना एकतरफा प्यार, वो महंगा पड़ जाता है, वो आज तक महंगा ही पड़ा है भाई, फिल्में भी देखी होंगी, एकतरफा प्यार तो महंगा ही है। वो धीरे धीरे उनके अट्रैक्टिव होने लगा और वो उनको ये चाहने लगा कि भाई ये इनसे, मेरे से ये लड़की शादी कर ले। तो उनके कहीं ना कहीं उनको नंबर मिल गए, नंबर पे वो धीरे धीरे उनको प्रपोज करने की कोशिश करने लगा। एकतरफा की मैं बात करूं तो उसने उसको इग्नोर कर दिया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, फिर वो उनको बाय फेस फिजिकली सामने मिलके उनको रिप्लाई लेने की कोशिश करने लग गया कि भाई जैसे तैसे करके मैं इसको मना लूँ, मैं इस तरह से प्यार करता हूँ, वगैरह वगैरह, जो भी लैंग्वेज में आदमी बोलता है, सेम कंडीशन उसके साथ में हुई। जी हाँ, अब यार 23 साल की लड़की किन परिस्थितियों में वहाँ पे जॉब कर रही थी, वो उनके साथ में लव मैरिज करने के लिए थोड़ी बैठी है, हालांकि ऐसा होता है लेकिन बहुत कम रियर चांस में होता है। लड़की ने उनके प्रपोजल को ठुकरा दिया कि भाई मुझे एक्सेप्ट नहीं है, तो भाई आपको पता है फिर उसको गुस्सा आने लगा, तो उसने गुस्से में व्हाट्सअप पे कुछ गलत बातें लिखी या और भी बहुत सारी बातें उनको गलत बोली। जी हाँ, जो गार्ड का जॉब कर रहा था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई लड़की ने फिर उनको, लड़की को लगा कि अब ये बंदा रुकने वाला नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि पुलिस में कंप्लेन कर दी कि भाई ये आदमी मुझे धमकी दे रहा है, जान से मार दूंगा। और रियल में उसने धमकी दे दी कि अगर तू मेरे से शादी नहीं करेगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, इस तरह से वो उसने धमकी दी। तो भाई लाजमी बनता है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ में। अगर शिकायत नहीं दोगे तो वो तो कल को हावी हो जाएगा आपके ऊपर। तो उनकी शिकायत पुलिस में दी गई, शिकायत ने FIR दर्ज करी, मैटर चला गया कोर्ट में। कोर्ट में बहस हुई तो पता चला कि भाई उसको पहले तो क्या हुआ, दोषी तो पाया गया, उसने कबूल भी कर लिया कि हाँ जी मैंने इनको धमकी दी है, शादी के लिए मैंने बोला, इसने मना कर दिया तो मुझे गुस्सा आ गया। तो कोर्ट ने पहले उनको क्या किया, 3 महीने की सज़ा दे दी कि 3 महीने की तुझे सज़ा है, उसके बाद में तुझे छोड़ दिया जाएगा। उसने ये बोला मुझे कुछ याद नहीं है मैंने इनको क्या धमकी दी, हाँ मुझे पता है थोड़ा बोला था मैंने, गलत धमकी दी थी लेकिन मुझे याद नहीं है मैंने क्या बोला,
क्योंकि मुझे दिमाग की प्रॉब्लम है, मैं बीमार हूँ। उसने डॉक्यूमेंट भी दिखाए हॉस्पिटल के जिनका उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, कुछ टेबलेट वगैरह डॉक्टर की लिखी हुई दुबई की। तो भाई कोर्ट ने उनको ध्यान से देखा, सोचा, समझा। पहले तो उनको 3 महीने की सज़ा दी थी। जैसे वो डॉक्यूमेंट देखे लगा कि ये आदमी तो मेंटली डिस्टर्ब है, कल को किसी के साथ और भी उनको प्रॉब्लम कर सकता है। तो कोर्ट ने उसकी सज़ा को बता दूं बढ़ाते हुए उसको निर्वासित का आदेश दे दिया। उसको ये बताया गया कि भाई तेरे को देश से निकाला जाता है। कोर्ट ने साफ बोल दिया कि इस बंदे को निर्वासित किया जाए अपने देश से, क्योंकि कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये बात नोट की कि जो आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, जॉब उसकी ख़त्म हो गई है, तो कल को अगर इसको छोड़ दिया जाएगा तो कुछ ये गलत कदम उठा सकता है, क्योंकि मेंटली हो गया पागल, जिसको बोल सकते हैं कि वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो कुछ भी गलत कदम उठा रहे। कल को ये लड़की है, कल को और किसी के साथ वो गलत व्यवहार कर सकता है, कुछ गलत काम कर सकता है जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो भाई उसको दुबई सरकार ने, कोर्ट ने आदेश दे दिया कि इस देश को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। कहने का मतलब आपको ये समझ में आया है, दो टॉपिक मैंने बताया है कि गलती देखिए इंसान से कहीं भी हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि हम उसको पहले से ही देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो उसको सावधान हम बरत सकते हैं, सावधानी बरत सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई किसी भी बंदे को, पीड़ितों वाला मैंने बता दिया, तस्करी से रिलेटेड अगर कोई है तो उसके नाम उजागर आप नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि आप गुस्से में आके अपने दोस्तों को या फिर किसी रिश्तेदार को या फिर किसी के साथ आपकी अनबन हो जाती है, आप कंपनी में कहीं काम कर रहे हैं, आप कहीं पर भी काम कर रहे होते हैं, काम को लेके, खाने को लेके, नहाने को लेके, रहने को लेके, आपको पता है लेबर कैंप होते हैं, मकान होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्प्यूट हो ही जाता है। तो बंदा आजकल क्या, पहले तो मुँह से गालियाँ देते थे, ठीक है, तो वो तो कोई सबूत नहीं होता था उनका। आजकल क्या, सोशल मीडिया पे भड़ास निकाल दे इनडायरेक्टली। आपने देखा होगा यार, फेसबुक पे हमारा भी टाइम आएगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बात किसी गांव में किसी के साथ होती है और उसको फेसबुक पे इनडायरेक्टली मैसेज देते हैं कि वो बंदा समझ जाएगा, उस लोगों को टेक कर देना, ऐसा आपने देखा होगा ऑलरेडी। ये एक सबूत दे रहे हो आप, समझ के, इंडिया में। हालांकि ये बात आदमी नहीं सोचता है, नॉर्मली है, लेकिन ये इनडायरेक्टली एक धमकी है और धमकी का आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसी गलती ना करें। किसी के भी साथ में आपकी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको सोशल मीडिया में हीरो बनने की कोशिश ना करें, धमकी देने की, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पहली बात तो उसको सलटाएं, कोशिश करें कि मैटर ख़त्म हो जाए। दूसरी बात भी है तो आप बैठ के अपना मैटर सलटा सकते हैं। दूसरे देश में जाके आप नौकरी करने के लिए गए हैं, दो पैसे कमाने के लिए गए हैं, आप इस तरह से, मैंने बताया था ना दुबई में बैठ के बने डॉन, वो राजस्थान, हमारे यहाँ पर भी FIR हुई है, दिल्ली पुलिस, दुबई पुलिस में भी FIR हो रही है, किसी लड़की को गाली गलौज दे रहे हैं, बूढ़ी औरत को व्हाट्सअप मैसेज के द्वारा। हालांकि सच्चाई क्या है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, वो तो पुलिस तहकीकात में उसके बाद का बात है, मैटर है क्या है, कौन किसको फंसा रहा है, ऐसी बातें होती हैं। लेकिन आपको कम से कम ध्यान रखना चाहिए कि गलत काम अगर आप सोशल मीडिया के पास के माध्यम से किसी को डराने की सोच रहे हैं तो वो तो डरेगा बाद में, आप डरोगे पहले। तो भाई शॉर्ट में बता दूं, आपको खुद अर्थ तक अगर सही रहोगे तो कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाता, और बाद में अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को आप उनको वो दिखाने की अपनी हेकड़ी या फिर उनको सबक सिखाने की सोचते हैं तो वो आप अपनी कमी महसूस करवा रहे हैं सोशल मीडिया के सामने धमकी देके। कल को अगर कोई लीगल एक्शन लेता है खास तौर से गल्फ देशों में तो आपके खिलाफ में सीधा लीगल एक्शन लिया जाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को धमकी देना 2 साल की सज़ा प्लस जुर्माना, आपने देखा होगा, मैंने वीडियो पहले भी बनाया है। तो इन चीजों का सावधानीपूर्वक ध्यान रखें, किसी को सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी देने की कोशिश ना करें, वरना भाई क्योंकि अगला बोल देगा मुझे जान का खतरा है इससे, तो 100% आपको उस देश से ही निकाल दिया जाएगा। समझ गए बात को, क्योंकि फिर गवाही भी लोग दे देते हैं और गवाही देंगे सोशल मीडिया पे, आपने अपनी फेसबुक आईडी से, व्हाट्सअप से, इंस्टा से, कैसे भी लिख के आपने सबूत दे रखे हैं तो है तो आपका, आपको साबित करने की, झूठ बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों से सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है। अच्छी जानकारी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।